राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। एक बहुत ही घटिया सा कमेंट आज सुबह ही आया था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगी। तो कमेंट जो है वो उन्होंने किया था कि लड्डू गोपाल जी की जो वीडियोज़ हैं उसका तुम पेड प्रमोशन करती हो, तुम तो कहती हो कि तुम अर्न करती हो लेकिन वीडियोज़ का पेड प्रमोशन करती हो, ये तुम एक पाखंडी हो और पता नहीं क्या क्या। तो उनसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या तुम जानती हो कि मैं अर्न करती हूँ और कितना अर्न करती हूँ? क्या तुम ये जानती हो कि YouTube कितना अमाउंट देता है? तुम ये जानती हो कि चैनल पर कितने पेड प्रमोशन वीडियोस आए हैं? क्या तुम ये जानती हो कि पेड प्रमोशन के लिए क्या किया जाता है? क्या तुम ये जानती हो कि पेड प्रमोशन में कितना अमाउंट देते हैं? नहीं, तुम ये सब नहीं जानती, फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, ठीक है। मैं तुम्हारा जवाब जो है सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि जिस शब्दों में आप यहाँ पर कमेंट करेंगे, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, फाजों का प्रयोग करके मैं आपका जो रिप्लाई है वो आपको दूंगी। इसलिए कमेंट लिखते वक्त बहुत जिसने भी कमेंट किया है दोस्तों, जिस वीडियो पे कमेंट किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिया है जो कि कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और इसका स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी पर डाला हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इन्होंने कहा है कि वीडियोस जो हैं उनका प्रमोशन करती हो, तुम एक चीप लेडी हो। तो आप एक ये बताइए, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए कई ऐसे भक्त हैं जो कि गांव में रहते हैं और उनका बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो यदि उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसमें मैं गोपाल जी की पोशाक जो है अगर वो स्टिच मैंने खुद से रेडी करवाई है, उन्हें अमाउंट देकर रेडी करवाई है और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका प्रमोशन भी चैनल पर किया है, तो ये उनके बिजनेस का प्रमोशन है। ये तुम्हारी सोच है कि लड्डू गोपाल जी की पोशाक की अर्निंग है, इनमें कुछ अर्निंग नहीं होती है। दूसरी बात, पेड प्रमोशन क्या होता है तुम्हें पता है? पेड प्रमोशन वीडियोज़ जो हैं जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने होर्डिंग्स लगाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अपने बिजनेस की, इन जो कार्ड्स होते हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो स्प्रेड कर सके, और वो अपनी इच्छा से चाहते हैं कि यूट्यूब पर उनके वीडियोस जो हैं वो प्रमोट हो और उसके लिए कुछ अमाउंट वो पे करते हैं ताकि जो उनका बिजनेस है वो और ग्रो हो सके और बढ़ सके। तो वो अपनी इच्छा से करते हैं, हम उनके पास नहीं जाते हैं। हर एक आज इंसान जो है वो अर्न करता है। अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लीजिए, फ्लाइंग बीस्ट है, कैरी बनाती है, फ्लाइंग बीस्ट जो है वो मामा अर्थ का प्रमोशन जो है मामा अर्थ के, अगर आपने उनका चैनल फॉलो किया होगा, मैं बहुत पहले उनके ब्लॉग्स जो है वो देखा करती थी, तो वो मामा अर्थ का जो है प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मैं कोई ऐसी फर्स्ट यूट्यूबर नहीं हूँ जिनका कोई इस तरह से प्रमोशन जो है चीज़ों का कर रहा है और इसके खिलाफ़ आप इतने ज़्यादा कमेंट जो है इतने घटिया कमेंट कर रहे हैं, तो कीजिए। और सच बताऊँ तो मुझे इस कमेंट से 0.0001% भी फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल पर व्यूज़ ऑलरेडी डाउन है। क्यों डाउन हुए हैं इसका रीज़न भी मैं जानती हूँ, जिन लोगों ने ये करवाया है वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इस तरह के लाखों हज़ारों कमेंट आप चैनल पर कर दीजिए, मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी होगी कि इस तरह की जो गंदगी, इस तरह के जो गंदे कमेंट और इस तरह के जो तुक्ष मेंटालिटी के चीप लेडीज़, डिस्गस्टिंग लेडीज़, आई शुड से कि चीप एंड डिस्गस्टिंग लेडीज़ जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं वो हटेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन 48,000 में अगर वो 8 लोग भी बचते हैं जो कि बहुत लॉयल हैं चैनल पर, वीडियोस जो है ये आपकी इच्छा है, देखिए वीडियोस देखना है आपकी पसंद है, वीडियोस नहीं देखना है ये आपकी पसंद है, वीडियो देखना ना देखना आप पर निर्भर है, वीडियो पसंद आती है नहीं पसंद आती है आप पर निर्भर है, आपको वीडियोस नहीं पसंद आती आप बिल्कुल मत देखिए, चले जाइए। इस तरह के कमेंट आप करोगे, मैंने तो ब्लॉक भी नहीं किया, मैं तो इनफैक्ट चाहती थी कि इस तरह के लोग सबके सामने आए, और वो कमेंट जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, वरना जिसने भी किया है तो उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया है, हालांकि उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था, तो कम्युनिटी पर कुछ स्क्रीनशॉट्स, एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, सारी चैट्स का तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, इससे पहले ही कमेंट जो है वो डिलीट हो गया। तो कई लोग कहेंगे कि दी इन तरह के लोगों का जो है वो इग्नोर किया कीजिए, तो बिल्कुल मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क, मैं जिस तरह से मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कई तरह के कमेंट कीजिए। और रही बात वीडियोस पेड प्रमोशन की, तो पेड प्रमोशन वीडियोस चैनल पर आई हैं
आ रही हैं और आती रहेंगी। आप स्वतंत्र हैं, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर यू कैन। आई समझ में, अगर YouTube पर आकर आप खुली चुनौती मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे देना चाहते हैं, आप मेरे चैनल का जो उखाड़ना चाहते हैं उखाड़ लीजिए, और बहुत अच्छे से जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने इन कमेंट्स में किया है, उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करूँगी और आपको उसी तरह के लहजे में समझाऊँगी। इन बात पेड प्रमोशन की, तो पहले जान लेना, जो तुमने कमेंट किया है कि पेड प्रमोशन करती हो, तो ये कोई पाप नहीं है, ये क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और रही और दूसरा कमेंट, और उसमें एक कमेंट में ये भी था, मैंने कहा था कि मैं गोपाल जी की सेवा देती हूँ, हमारा बिजनेस, हमारी जो शॉप है वो है, तो अगर हमारी शॉप है, हमारा बिजनेस है, हम गोपाल जी की सेवा देते हैं, तो मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं विग्रह जो है वह सेल करती हूँ, नहीं, मैं उन्हें खरीदने की और बेचने की औकात मेरी नहीं है, तुम्हारी है, तो तुम उस शब्दों का प्रयोग करो, मैं नहीं करती, ठीक है। तो ये तुम्हारे दूसरे कमेंट का रिप्लाई था। चाहती तो मैं तुम्हारे हर एक कमेंट का रिप्लाई का स्क्रीनशॉट यहाँ पर पब्लिक के सामने डालती और बताती कि किस तरह की तुच्छ मेंटालिटी है तुम्हारी, ठीक है। पेड एक वीडियो का प्रमोशन कर दिया, तो इसमें तुम घटिया हो गए, तुम चीप हो गए, तुम गोपाल जी के पैसे अर्न करने लगे। यदि किसी बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके बिजनेस में हमने हेल्प कर दी है विदाउट कोई अमाउंट लिए, तो इसके लिए तुम नहीं देखोगी। हाँ, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी डेवलप्ड हैं और अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, हम यूट्यूबर्स तक अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बिजनेस का जो है वो प्रमोशन कीजिए, तो तुम गोपाल जी के जो पैसों से अर्न कर रही हो और तुम पाखंडी हो, पाखंडी तुम हो, इसका रिप्लाई मैं आज देती हूँ, पाखंडी तुम हो और तुम जैसे घटिया लोगों के कारण ही आज यूट्यूब पे जो गंदगी है ये फैली हुई। चाहती ना तुम मुझे जानती हो, तो मैं भी आज बता दूँ तुम्हें कि मुझे भी पता है जो यूट्यूब के चैनल चलते हैं उनमें से किसी एक चैनल की चापलूस हो तो जो तुम ये या मेरे चैनल पर गंदगी फैलाने आई हो। यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि तुम जैसे चीप लोग अगर यहाँ से वाईटी से हट जाएं तो बहुत अच्छा होगा। रही बात वीडियोस की, तो जो वीडियोस मेरे व्यूअर्स पसंद करते हैं वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जिन्हें वीडियोस पसंद नहीं है वो बिल्कुल मत देखना। तो इसके लिए मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती। एक तुक्ष सा कॉमेंट जो भी सुबह आया था, जो कि मैंने पढ़ा और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा, इससे मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। तुम फैलाओ और गंदगी फैलाओ और जहाँ जहाँ फैलाना चाहती हो वहाँ पर फैलाओ। गोपाल जी का साथ मेरे साथ है, बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत और मेरे चैनल को तुम जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत नहीं है। चैनल के व्यूज़ डाउन हुए हैं, मैं जानती हूँ क्यों डाउन हुए हैं, इसका रीज़न भी मुझे पता है, लेकिन जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि चैनल पर कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिनके कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और क्यों हुई है मुझे नहीं पता। खैर, उसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूँगी। अगर कभी हुआ तो उसके लिए, अगर मुझे बनानी पड़ी तो एक वीडियो उसके लिए भी ज़रूर आएगी दोस्तों, लेकिन अगर कोई नहीं कहता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं कह सकता, या आपका जवाब जो है, आपके जो तुक्ष कमेंट्स हैं उनका जवाब नहीं दे सकता। जवाब देने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर गंदगी नहीं फैलाना चाहती। ठाकुर जी की सेवा की वीडियोज़ चैनल पर आती हैं और वही वीडियोज़ मैं डालना चाहती हूँ, इसलिए तुम जैसे लोग मेरे चैनल से हट जाएँ, बस मेरी यही इसी प्रार्थना है, कहूँगी ठाकुर जी से। बाकी तो गोपाल जी सब जानते हैं किसकी क्या मेंटालिटी है, किसकी क्या सोच है, और ऐसे घटिया वीडियोस बना के कि लोगों के ऊपर कमेंट करना और व्यूज़ लेना और पब्लिसिटी पाना, ये मैं कभी नहीं चाहूँगी। चाहे मेरे चैनल पर 10 व्यूज़ आएँ, 10 सब्सक्राइबर्स रहें, या 1 सब्सक्राइबर रहे, या चैनल ना रहे, फिर से मैं न्यू चैनल स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि ये मेरी एक कह सकते हैं कि इच्छा है कि जो मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो चैनल पे अगर कुछ भी होता है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि ये ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक इच्छा है जो कि वीडियोस मैं आप सभी के साथ पोस्ट करती हूँ। अपना साथ दोस्तों यूँ ही बनाए रखिए, और अगर चाहते हैं कि किसी दिन लाइव मिलना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, तो किसी दिन लाइव मिलते हैं और आइएगा, आप सब बात करेंगे ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय श्री कृष्ण।